बड़े अच्छे लगते हैं। तूने पता किया था ना फ्लाइट वाइट के बारे में? हाँ पक्का? ये लेट हो गए अभी तक के। हेलो। ओ जी वीर जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। कैसा है? एक नंबर जी। पापी जी नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत और ये तड़ी वाइफ है कुलजीत जी। हाय, वेलकम प्रजाइत। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बस वो एयरपोर्ट पे आते ही कोई टकरा गया और कॉफी गिर गई तो सारा सूट खराब। कुलजीत कमाल करती है तू, जो पंजाब के शेर रास्तों पे निकलते हैं ना, तो ये तकलीफ वकलीफ ऐसे ही भग जाती है। तू वीर जी? सत श्री अकाल वीर जी। हाय। आपको यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब ऑस्ट्रेलिया में आ गया हो, वरना ये तो बस नाम के पंजाबी है, ऊपर से नीचे तक पूरे अंग्रेज बने हैं। इसकी छोड़ तू अपनी बता, कैसी है तू? बाकी सब तो ठीक है, बस कभी कभी अपने वतन की इतनी याद आती है कि मन करता है कि वापस आ जाओ, लेकिन बस इस पापी पेट ने रोक रखा है, वरना मैं तो कब की ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंडिया आ जाता। वैसे आपको बीवी बड़ी सोनी मिली है, दादी सिंह के बारे में बहुत सुना था और आज देख भी लिया, तभी दादी ने क्या? दादी ने क्या? दादी जी ने फोटो खींचने के लिए कहा है परजाई जी की। ये नौटंकी बंद कर, तू पहले ये बता तू कुलजीत की अच्छी तरह से देखभाल रखता है कि नहीं? ओ, मार खानी है मैंने इसकी, देख नहीं रहे कूर रही है। ओ जी भाई साहब, पूरा ख्याल रखता हूँ, पूछ सकते हैं आप? पूछ लूंगा, सब पूछ लूंगा, तेरी पूरी खबर लूंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं, थके आ रहे आए हैं, पहले ऊपर जाके थोड़ा आराम तो करने दे। चलिए चलिए जी। Would you like to have anything specific in the bedding? Bedding? जी वीर जी, एक्चुअली ये लोग पिलो के लिए तीन चार अलग अलग टाइप के बर्ड फेदर लगा देंगे। आपका कोई चॉइस हो पर्सनल तो बता दीजिए। मिस्टर कपूर, मैं कोई बर्ड फेदर का पिलो यूज नहीं करने वाली हूँ। आप इनसे कहिए हमें नॉर्मल कॉटन के पिलो से चलेंगे। नॉर्मल कॉटन विल बी फाइन। अच्छा वीर जी, एक बात कहें। हाँ। आपको ना यहाँ देख के अपने गुरदासपुर की याद आ गया। अरे फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, तेरे सिडनी को भी गुरदासपुर बना दे। क्या बात कही जी, एकदम चंगी। अब तो जाके आराम करने दे। वो जी काम कीजिए, आप दोनों आराम कीजिए, हम कल मिलते हैं, कल मिलके चलते हैं घूमने। जरूर जरूर, बाय। ओके जी, ऑल द बेस्ट। मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। मेरा फोन यूज कर लेना, ऊपर तो चलो। विच वे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं मेरी बिंदी नहीं है? 16 घंटे की फ्लाइट थी, तुम्हें क्या लगता है 16 घंटे में तुम्हारी बिंदी को देखता रहूंगा? अच्छा, वैसे तो पहली मुलाकात में ही आपको ये समझ में आ गया था कि मैंने बिंदी टेढ़ी लगा रखी है एंड ऑल दैट, अब नहीं ऑब्जर्व किया? ओके ओके ओके, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम, कब से बज रहा है? पता नहीं किसका है, दो बार उठाया था, रॉन्ग नंबर था, पैसे ऐसे ही लग गए। अरे यार उठाओ, बात करो, पता करो कौन है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? अरे लेकिन इतने पैसे, तुम पैसों की फिक्र। हेलो हेलो, हाँ प्रिया। हाँ माँ। देखा बेटा कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी आके होटल पहुँचे। इनफैक्ट जब तुमने पिछली बार फोन किया था ना, तो मैं एयरपोर्ट पे थी, उन्हीं को ढूंढ रही थी, इसलिए फोन काट दिया। ढूंढ रही थी क्यों, कहाँ चले गए वो? अरे वो क्या हुआ ना कि... छोड़ो ना माम, ये सब बातें बाद में करेंगे, तुम ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? पापा, आयशा, नताशा, कार्तिक सब ठीक है ना? बेटा वो सब तो ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बता वहाँ तुम लोगों ने साइट सीइंग वगैरह किया कि नहीं किया? माँ अभी तो आके पहुँचे हैं होटल, और वैसे भी यहाँ रात होने वाली है, तो अब कल ही निकलेंगे। रात? बेटा लेकिन दोपहर है, अभी रात कैसे होगी? ऑब्वियसली माँ, 5.5 घंटे का फर्क जो है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा एक बात तो बता, वो तुम लोगों ने वो अपना सामान तो अनपैक कर लिया ना? माँ क्या हो गया तुम्हें, अभी तो मैंने कहा कि अभी अभी आके होटल पहुँचे हैं। तुम भी ना माँ, जल्दी क्या है, कर लेंगे ना सब कुछ आराम से। अच्छा अच्छा एक काम कर, वो जरा मेरे दामाद जी को तो फोन दे, मुझे बात करनी है उनसे। हाँ तुम उनके फोन पे फोन करो ना, मेरे इतने पैसे लग रहे हैं कॉल के। दे ना, कंजूस कहेंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी बात करना। मिस्टर कपूर, माँ को आपसे कुछ बात करनी। मुझसे क्यों? अरे ऐसे क्या करे, मेरी माँ को आपसे कुछ बात करनी होगी, लीजिए जल्दी कीजिए कॉल। पैसे? अजीब मुसीबत है। हेलो मिस्टर राम,
कैसे हैं आप? एंजॉय तो कर रहे हैं ना आप वहाँ पर? वैसे मेरी बेटी काफी इंटरेस्टिंग है. क्या है लेकिन उसे थोड़ा सा ना नए माहौल में कोप अप होने में टाइम लगता है. हाँ मुझे ना वो आपसे ना एक बात कहनी थी. वो बात ऐसी है कि वो आगे बढ़ने में ना आप देखिए क्या कह रही हैं आप. अभी अभी तो आए हैं हम. ओ ओ आप लोग आराम करिए ना अभी. मैं कल फोन करती हूँ. एंजॉय योर हॉलीडे. नो 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 एंजॉय योर रोमांटिक हॉलीडे. थैंक यू. बाय मिस्टर राम. बाय बाय बाय. कट कीजिए कट कीजिए. तुम्हारी माँ भी ना मतलब हनीमून पे हम आए हैं और एक्साइटमेंट वहां पर ज्यादा है. औरतें होती हैं ऐसी. What do you mean, होती है ऐसे? एक्साइटेड नहीं होंगी क्या? अरे उनकी बेटी पहली बार इंडिया से बाहर आई है तो जाहिर सी बात है. और नॉर्मली लोग पहली ट्रिप में एक्साइटेड होते ही हैं. जो अंदर खुशी होती है ना वही चेहरे पे दिखाई देती है नॉर्मल लोगों की. आपकी तरह नहीं की. मतलब क्या कि मैं अब नॉर्मल हूँ यही कहना चाह रही हूँ ना तुम. मुझे क्या पता. तुम आपका फोन भी बज रहा है उठाइए. हाँ जानता हूँ जानता हूँ. हेलो. हाँ कैसा है राम? अरे पहुंच गया तो एक फोन करके बता तो दे कैसा है तू. हाँ हाय विक्रम. हाँ पहुंच गया. और यार मैं तो बहुत ही खुश हूँ. तू हनीमून पर जाकर खुश है? बता तो सही ऐसे क्या हुआ है? रास्ते में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे रुके हम लोग. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड गया तू? हाँ अंदर गया था क्या? हाँ हाँ ऑब्वियसली अंदर गया था इसलिए तो इतना खुश हुए. I'm so jealous of you, ना? चल वो सब छोड़. आप ये बता कि बाकी सब कुछ कैसा चल रहा है? बाकी का मतलब? ये मतलब तेरी क्या के साथ इनिंग्स कैसी चल रही है? अभी तक टेस्ट मैच ही खेल रहा है या 2020 पे गया? घूम फिर कर वही टेंजेंट पर क्यों अटक जाता है? यार तू अवॉइड क्यों कर रहा है? साथ साथ बता ना क्या चल रहा है. अरे कुछ नहीं सुना मुझे. थक गया हूँ. रख रहा हूँ फोन. इडियट. अरे अभी अभी मुझे किसी ने कहा था कि औरतें इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं. होती है ऐसी. लेकिन आपका एक्साइटमेंट देखकर पता है मुझे क्या लग रहा है कि मर्द भी ना भी आ, 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 जानता हूं होते ही ऐसे. अनपैकिंग करूं? हाँ प्लीज. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.